सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, आज एक बार फिर से हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन प्लैटिनम को। भाई अब मैं पोकेमोन डायमंड या पोकेमोन हार्ड गोल्ड कभी भी नहीं कहने वाला, पोकेमोन प्लैटिनम मुझे आदत हो गई है। भाई क्या होता था ना यार, मैंने बहुत टाइम से खेल लिया था पोकेमोन हार्ड गोल्ड, दैट्स वाई मेरे मुंह में वो हट गया था। एनीवेज गाइस, आज हम यार जिम बैटल करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम इस वाले शहर में आए थे, भाई काफी ज्यादा बड़ा शहर है और यहाँ पर टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स भी हैं। ओके, तो आज गाइस हम जिम बैटल करने जाने वाले हैं और मेरे पोकेमोन्स का लेवल मुझे पता भी नहीं है कितना ज्यादा है। ओके, आई थिंक यार इतना लेवल भाई काफी होगा। ओके, तो यहां से चलते हैं भाई जिम बैटल के लिए जल्दी से। ये रहा जिम, अंदर कौन सा जिम है आई डोंट नो, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है भाई, बस मैं जिम बैटल करने जाने वाला हूँ। इसे यार देते हैं जोर का झटका। ओके, ओ भाई एक बार में उसने तोड़ दिया यार, कमाल था काफी ज्यादा। सो गाइस यार, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मतलब पहले दिन तो यार मुझे जितनी भी कमेंट्स आती है ना, ऑलमोस्ट मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ, तो तुम लोग टेंशन मत लिया करना भाई। ओके, तो यहाँ पर हो गया आई थिंक। ओ भाई ऊपर साइड में करना है क्या शायद गाइस ना, हमें यहाँ पर पजल है, पजल सॉल्व करनी है। ओके भाई देखते हैं कैसी पजल है ये, यहाँ से तो नहीं होने वाला शायद, इसको ऊपर फेंकना है। चलो एक तो टूट गया, अब यहां से इस साइड में चलते हैं। भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है अगर, लेकिन अगर एक बार कर लिया ना तो मजे। और को एक बैटल तो होगी शायद, हमारी एक बैटल हमारी होने वाली है। ओके, तो इसे निपटाते हैं जल्दी से, देखते हैं इसके पास में कौन से पोकेमोन है। आई थिंक ये कोई फाइटिंग टाइप जिम लग रहा है मुझे, तो यहां पर फाइटिंग टाइप पोकेमोन होंगे। क्रोगंक, ब्लेज, चलो आगे ब्लेज है। वैसे तो यार मैं यहां पर ना अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन का यूज कर सकता हूँ। मार्च पंच, क्रिटिकल हिट। आई डोंट थिंक मैं इतने आसानी से हारने वाला हूँ, हम जीत जाएंगे यार। चलो एक और अटैक, काफी सही है। ओ भाई पिछले वाले अटैक में तो अच्छी खासी हेल्थ गई थी, इस वाले में हेली भी नहीं। रुको अब एक और बार ट्राई करते, भाई कंफ्यूज बस मत हो ना। ब्लेज, चलो यहां पर हम लोग कट से खत्म करते हैं, आई थिंक ये काम आएगा। अरे हट इट सेल्फ यार। ओ भाई इतनी ज्यादा हेल्थ गई, आखिर कैसे। ओ ओ नहीं नहीं नहीं, खत्म मत हो ना ब्लेज। अरे एक अटैक कर दे, गुड काफी सही था। चलो भाई ये तो खत्म हुआ, ब्लेज को पॉइंट्स भी मिल गए हैं। एक माचोक आने वाला है, तो भाई इस माचोक के लिए भाई हम लोग यहाँ पर फैलकन का यूज करेंगे। चलो फैलकन तो इसे एक बार में संभाल लेगा, तुम्हें पता है यार टाइप का एडवांटेज है। तो यहां पर सबसे पहले इसे हराते हैं विंग अटैक से। माचोक की वाट लग गई, अरे भाई आधी हेल्थ गई, खत्म। ओके अच्छी खासी हमारी भी हेल्थ गई, चलो ये खत्म हुआ। आई थिंक एक दो बैटल बस करनी होगी, ज्यादा नहीं। चलो यार बहुत सारे पॉइंट्स मिले भाई हमें, तो अब यहां पर चलते हैं एक और बार ट्राई करते हैं। अरे यार यहां से नहीं निकल सकते क्या, अच्छा मैं यहीं से निकलना होगा। रुको 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 रुको, ओ भाई भाई ओ निकल गए हम, ओ निकल गए, बच गए, ओ कूल बच गए, देखा हम बच सकते हैं। अब यहां पर कैसा करना है, चल इसे तोड़ते हैं। ओके एक चीज तो कर ली, इसे तोड़ना है क्या। ओके भाई इसे तोड़ना था क्या, रुको रुको शायद मैंने गलत किया, इसे वापस करते हैं साइड। एक पजल टाइप की है, हल्की सी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही जल्दी हो जाएगी भाई। ओ भाई ये अटक गया, एक और बार, अच्छा नहीं नहीं साइड से कर सकते हैं, शायद मैं ही गलत कर रहा था, यहां से इसे साइड में करना है और अब लगेगा वो जोर का वहां पर। देखो अब देखो कमाल, तुम
अब देखो, और ये टूटा। बस थोड़ा सा समझना था। और यहां पर अब इस वाले को हमें ऊपर साइड में करना है शायद। ये गया ऊपर, और अब इस वाले का क्या करेंगे हम? लेकिन आई थिंक ना इस वाले को भी ले जाना है कहीं। रुको, वेट, यहां पर इसे क्या करना था मुझे, इसे ऊपर भेजते हैं। और यहां पर कुछ भी नहीं होगा शायद, कुछ भी नहीं। रुको एक बार ट्राई करते हैं, नहीं होने वाला। अब बारी है इस वाले की। मे बी ऐसे कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये अटक चुका है। अरे यार, मेरी एक और बैटल हो गई, मैं इसके सामने चला गया। कोई बात नहीं भाई, इसे हराते हैं जल्दी से। इसके पास में देखते हैं कौन सा पोकेमोन है। सिर्फ एक ही पोकेमोन है, हेराक्रॉस। इनके पास में हेराक्रॉस कहाँ से आया? अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स यार, ये फायर टाइप है, तो मतलब यार ये सब लोग फाइटिंग टाइप हैं, तो इनके पास में कोई भी टाइप के हो सकते हैं साथ में। चलो भाई, ये तो हार गया। अरे खत्म क्यों नहीं हुआ? हेराक्रॉस टाइप का एडवांटेज था, एक अटैक से खत्म हो जाना चाहिए था। चलो भाई, ये खत्म ना। ओके खत्म। ओके, तो फाइनली ये भी हार गया। चलो अब देखते हैं भाई। अब यहां पर ना गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, जैसे कि ना यहां पर इसे पुश करते हैं। चलो ये सही है। यहां पर अब क्या हुआ, एक रास्ता खुला शायद हमारे लिए। नहीं, शायद हमें हर एक यहां पर तोड़ना होगा हर एक को। रुक जाओ, अब इस वाले को ना नीचे साइड में करते हैं, शायद यहां पर कुछ ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, ये नीचे आ गया, और अब इस वाले से इसे तोड़वाते हैं। बहुत सही। अब यहां पर एक दो बच्चे हैं। ओके, तो यहां पर एक दो बच्चे हैं, तो हमें यहां से निकल। अरे यार, मेरी एक और बैटल हो गई। मैं सोचा यार मैं आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन भाई कोई बात नहीं, एक और बैटल करनी होगी। चलो इसे हराते हैं। इसके पास में भाई तीन पोकेमोन है क्या यार? तीन पोकेमोन रखा है भाई। ओ नहीं, ये तो चीटिंग है ब्रो। ये चीटिंग थी, तीन पोकेमोन कौन रखता है यार। चलो इसे भी हरा देंगे जल्दी से यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओ नहीं, फेंटेड मत होना ब्लेस, फेंटेड बस मत होना। एक अटैक की बात है, हम जीतेंगे। सो गाइस देखो, हमने पहले पोकेमोन को हरा दिया, अब दूसरे पोकेमोन का पता नहीं कौन सा आने वाला है। एचपी बढ़ गई है, लेवल भी बढ़ गया है, नया अटैक मिला हमें। कौन सा अटैक है? टॉर्मेंट। आई डोंट नो कैसा अटैक है, आप पता नहीं भाई। मैं नहीं रखने वाला किसी अटैक को, क्योंकि पुराने अटैक ज़्यादा अच्छे थे, दैट्स वाई। नेक्स्ट पोकेमोन है मैग्नेमाइट, मेडिटेट। अरे मैंने इसे मैग्नेट क्यों पढ़ लिया, मुझे लगा मैग्नेमाइट था यार। भाई मैंने क्या पढ़ लिया यार, ओ भाई। चलो कोई बात नहीं यार, इसे हराते हैं। मैंने सोचा लिटरली मैग्नेमाइट आने वाला है, ये मेडिटेट था। चलो यार फिर भी ये हार गया। इसका नेक्स्ट पोकेमोन है माचोक। माचोक के लिए हम लोग यूज करेंगे अपने फैल्कन का, सबसे सही टाइप के एडवांटेज के हिसाब से खेलना चाहिए माचोक। चलो यार, अरे यार मैंने टैकल का यूज करा, अरे वो भी अटैक में सोना था। चल 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 जल्दी हरा फैल्कन, विंग अटैक देखते हैं। विंग अटैक से आधी हेल्थ गई, बस एक और अटैक करना है। माचोक यार भाई देखने में ना एक इंसान के जैसा ही है, सोचो एक बॉडी बिल्डर पोकेमोन। इंसान को तो ये आराम से हरा दे, किसी भी इंसान को, बस उसका सिर बस अलग है। अगर वो ना होता ना तो वो पूरा इंसान है, पता नहीं। लेकिन वो नीचे यार कैसे चड्डी कैसे पहना अपनी, समझ में नहीं आता मुझे ये चीज़। एवोल्यूशन के साथ ही उसके पास में एक अच्छी खासी चड्डी आ जाती है,
पता नहीं कैसे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। ओ भाई यहाँ पर कैसा करना है? अच्छा इस वाले को कुछ भी नहीं करना शायद, यहाँ पर इधर करते हैं, इस वाले को यहाँ से साइड करके तोड़ना है। रुको, अरे मैंने पहले वो क्यों तोड़ दिया, उसे नहीं तोड़ना था शायद। रुको इस वाले को करना था, इसे तोड़ते हैं एक और बार, बस एक और बार और ये फिनिश हुआ। चलो यार गाइस यहाँ के काम तो आई थिंक कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे लगता है यार मैं करने वाला हूँ उसे एक और बार। अब बस एक और बार, चल कम ऑन, बहुत सही कूल। अब यहां से आई थिंक हम लोग जा सकते, ओ यहां से नहीं जा सकते, हट जा रास्ते से। ओके भाई यहां से जाना क्या? अच्छा हाँ यहां से जाना है। चलो गाइस ये हो गया, मुझे लगता है भाई हो गया है, बस एक बार और, बस एक बार और, बहुत सही कूल। तो गाइस फाइनली ये वाली क्वेस्ट तो कंप्लीट हो गई और अब हम फाइनली यार चैलेंज कर सकते हैं यहाँ की जिम लीडर को। तो गाइस हम लोग चैलेंज करने वाले हैं इस वाली जिम लीडर को, आई डोंट नो इसका क्या नाम है बट जो भी हो नाम बताओ। हेलो आई एम प्लेज टू मीट यू, आई एम मेलिन, आई एम द जिम लीडर। मुझे रियली नहीं पता स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है, आखिर कैसे मैं एक जिम लीडर बन सकती हूँ। मैं बैटलिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ जब भी तुम रेडी हो। तो गाइस हमारा यहाँ पर सामना हो गया फोर्थ एलीट फोर मेलिन से, देखते हैं इसके पास में कैसे पोकेमोन्स होने वाले हैं। आई डोंट नो तीन पोकेमोन्स इसके पास, कौन से होंगे? मेडिटेट, पहला पोकेमोन मेडिटेट, और मैंने अपने सभी पोकेमोन्स का रिवाइव वगैरह कर लिया था, मतलब पूरी हेल्थ वापस आ चुकी है। ओके तो भाई इसे हराना तो ईजी होगा यार विंग अटैक से, देखते हैं। चलो यार काफी अच्छी हेल्थ गई है, आधी से ज्यादा चली गई। रॉक टूम, अरे भाई हमारी हेल्थ पता नहीं कितनी जाएगी। नहीं भाई फेंटेड मत होना यार, अभी तो इसे बहुत सारे पोकेमोन को हराना है, दो और पोकेमोन को, अभी से खत्म मत होना। अरे यार लगातार दो अटैक उसके पास में, दो अटैक कहाँ से आ गए लगातार। चलो फिर भी यार हम बच गए, बहुत सही, दो HP तो बची, बहुत सही यार दो HP बच गई थी वरना हम खत्म थे, लिटरली भाई हम लोग खत्म हो गए थे अगर दो HP और चली जाती तो। नेक्स्ट पोकेमोन है माचोक, माचोक को हराने के लिए हम लोग इसी का यूज करेंगे, फैल्कन का। फैल्कन आसानी से हैंडल कर लेगा, हालांकि मुझे लगता है फेंटेड ना हो जाए। यार पहले उसने अटैक कैसे कर दिया भाई, मुझे लगा मैं पहले अटैक करूंगा यार, लेकिन उसका अटैक पहले हो गया जिस वजह से हम खत्म। कोई ना, आई थिंक इसे तो संभाल लेगा हमारा गैबाइट, मे बी आई डोंट नो। लुकारियो के लिए वैसे हम मैंने ड्रैगनाइट के लिए मैंने सॉरी ड्रैगन टाइप पोकेमोन के लिए सोचा था लुकारियो को हराने के लिए। चलो इससे भी काफी ज्यादा अच्छी हेल्थ गई है, नो प्रॉब्लम। एक दो अटैक और देखते हैं, खत्म हो जा भाई, हो जा, आई थिंक संभाल लेगा। ओके बस एक अटैक और, ओके यार, ओ भाई नहीं, खत्म बस मत होना। चलो बढ़िया था, ये चीज बढ़िया थी, खत्म हो गया माचोक। लास्ट पोकेमोन कौन सा होने वाला है? आई डोंट नो यार इसके पास में लास्ट पोकेमोन कौन सा होगा। लुकारियो, तो लुकारियो के लिए हम लोग इसी का यूज करेंगे, पेंटेड हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में दूसरे पोकेमोन। भाई लेवल 32 का लुकारियो है, वो कोई मामूली बात नहीं है, लेवल 32 का लुकारियो। मेटल क्लॉ, अरे बाप रे हम एक ही अटैक से खत्म हो गए, काफी ज्यादा स्ट्रांग है यार ये लुकारियो तो। चलो ब्लेज संभाल लेगा शायद, ओ ब्लेज संभाल ले, सब कुछ इस पर डिपेंड है। अरे ड्रेन पंच, ओके भैया ये क्या था, ये था क्या, बावड़े खत्म कर देता हमको। चलो ये चीज सुपर इफेक्टिव थी, लेकिन यार अगले बार ना मुझे पहले अटैक करना है, मैं पता नहीं कौन सा। अरे यार फोर्स पाल्म, अरे यार उसका अटैक पहले क्यों हुआ, हम खत्म हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में अभी एल्सा हैरी पुट्टर ये सब भी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कुछ कर पाएंगे, देखते हैं कुछ तो करेंगे यार, एक दो अटैक भी हो जाए नॉर्मली
तो काफी होगा। एक्वा जेट से शायद इसको कोई फर्क पड़े, क्रंची से तो कुछ भी नहीं होने वाला शायद। ड्रेन पंच, उसकी हेल्थ बढ़ रही है यार, देखो उसकी हेल्थ बढ़ेगी अपने आप। अरे भाई इतनी ज्यादा हेल्थ बढ़ी, इतनी तो मैंने कम करी थी यार, फिर से बढ़ गई। फोर्स पाल्म, चलो सही है, कम से कम ड्रेन पंच का तो यूज नहीं किया उसने। 2 HP बनी, एक बार और बस खत्म है, थोड़ा सा और बस यार। ओ भाई फाइनली हैरी ऑटर ने संभाल लिया। हैरी मेरे पुत्र, बहुत सही हैरी पुत्र, तुझे करवाऊंगा मैं सवारी अपने झाड़ू की। चलो भाई तो हम लोग जीत चुके हैं, दैट्स व्हाट टब। ओके जिम बैच कोबल बैच, सो गाइस हमें मिल चुका है हमारा 4th जिम बैच कोबल बैच। ठीक है अब हम HM का भी यूज कर सकते हैं, फ्लाई का TM60। लेट्स सी क्या है इसके अंदर। ड्रेन पंच, बहुत सही, काफी ज्यादा अच्छा था वो। चलो ठीक है यार, बहुत सारी बातें हो गई, हम जीत चुके हैं, अब चलते हैं जिम के बाहर। गाइस रियली यार काफी मजा आया यार लुकारियों से लड़ने में, वो सच में स्ट्रांग था, लेवल 32 मायने रखता है यार भाई, स्ट्रांग होता है लेवल 32, इसलिए काफी बढ़िया फाइट थी। और हमारे पोकेमोन ने काफी ज्यादा संभाला लेकिन फिर भी कुछ फेंटेड हो गए। एनीवेज गाइस, ओ भाई यहाँ बाहर डॉन है। हाय हनी प्लीज कैन यू हेल्प मी, सम टीम गैलेक्टिक गोन्स टुक माय पोकेडेक्स अवे फ्रॉम मी। किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी डॉन को हाथ लगाने की, हमारे डॉन के हाथ से पोकेडेक्स ले जाने की, किसमें इतनी हिम्मत है। हम है डॉन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा गुस्सा देखना, पूरी टीम गैलेक्टिक बर्बाद होने वाली है, पूरी टीम गैलेक्टिक। वैसे तो मेरा मूड नहीं था उन्हें कुछ करने का, वो सर पर अपने घूम रहे थे, लेकिन डॉन को हाथ कैसे लगाया। डॉन को जो हाथ लगाएगा उसे सारे मुल्कों की पुलिस क्या, सिर्फ खाली पोकेमंजर ढूंढेगा। हनी डॉन, रियल डॉन, आई नीड योर हेल्प टू गेट इट बैक। बिल्कुल, तो हमें गाइस वेयर हाउस में जाना है जहां पर हमारा सामना होगा डॉन से। डॉन से नहीं होगा यार, डॉन के लिए सो गाइस हमें वहां पर जाना है डॉन के पीछे, जहां पर यार वो हमें बताएगी आखिर उसका पॉकेटेक्स कहां चला गया है और आखिर कहां पर छुपे हैं टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स। यहां पर सबसे पहले यार पोकेमोन सेंटर में चलते हैं। तो गाइस यार आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मैं बताने वाला हूँ टीम गैलेक्टिक को कौन है रियल डॉन और डॉन के पॉकेटेक्स को हम वापस लाएंगे। तो गाइस इस वाली वीडियो में भाई लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना यार, बहुत कम लाइक्स हैं इसलिए लाइक करो, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे ना भाई उतने जल्दी नई सीरीज आएंगी और हम इसका नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे, इसलिए लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ यार जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, वहां पर बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। टेक केयर। We'll be right back.